राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक दिवसीय प्रवास पर टीकमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री दिवंगत बृजेंद्र सिंह राठौर के घर पहुंचकर उनके परिवार को अपनी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं दिग्विजय सिंह ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बयान को लेकर भी उन पर पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने टीकमगढ़ में कोरोना से जान गंवाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात की और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोरोना में मृत व्यक्तियों के आंकड़े छुपा रही है। जम्मू कश्मीर में 370 धारा के बारे में पूछे जाने पर वे गोलमोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने कहा, स्वयं प्रधानमंत्री ने कभी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और बिना किसी पूर्व सूचना के पाकिस्तान पहुंच गए थे। बीजेपी आईटी सेल का ध्रुव सक्सेना आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा है, जिस पर बीजेपी चुप रहती है। वहीं टीकमगढ़ के चंदेल कालीन तालाबों पर लगातार भू माफियाओं द्वारा कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें लगी है, वे इस पर जांच करवाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। बात यह है कि उस समय बिना राजनीतिक दलों की राय मशवरा के उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्य के टुकड़े कर दिए और राज्य का दर्जा समाप्त करके यूनियन टेरिटरी कर दी और कहा था इससे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और कश्मीर घाटी में हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। लेकिन मैं आपसे कहना पूछना चाहता हूँ, मोदी जी किससे पूछ के पाकिस्तान गए थे? बिना बताए गए, बिना प्रोटोकॉल को अपनाए। एक ISI के लोगों को पठानकोट की इन्वेस्टिगेशन टीम में क्यों इंक्लूड करने के लिए अजीत डोवाल जी ने मंजूरी दी? नंबर तीन, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के अध्यक्ष ध्रुव सक्सेना भोपाल के ISI के लिए जासूसी करते, पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए, उन पर NSA क्यों नहीं लगाया गया? देशद्रोह का कानून के अंतर्गत क्यों नहीं लगाया गया? नंबर चार, अब तालिबान से चर्चा मोदी जी कर रहे हैं, ये कौन सी मानसिकता के हैं? तालिबानी मानसिकता के हैं कि पाकिस्तानी मानसिकता के हैं? वहीं दिग्विजय सिंह ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा उनको पाकिस्तान और चीन के पक्ष में बोलने को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि विश्वास सारंग के पिता कैलाश सारंग मेरे अच्छे मित्र थे, लेकिन विश्वास सारंग ने ये भद्दा बयान क्यों दिया? ये उन्हें किसने सिखाया ये वही बता सकते हैं, क्योंकि कैलाश सारंग ने तो उन्हें ऐसा नहीं सिखाया होगा। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा, जब मैं मुख्यमंत्री था, जब विश्वास सारंग मुझसे क्या क्या काम करवाने आते थे ये मैं नहीं बता सकता। विश्वास सारंग इतने बड़े नेता नहीं है कि उनकी बात पर कोई टिप्पणी करूं। मैंने आपसे कहा ना, कैलाश सारंग भी मेरे मित्र थे। उनका जो ये बेटा विश्वास सारंग है, जब मैं मुख्यमंत्री था तो क्या क्या मुझसे काम कराने आता था वह उसकी जानकारी आपको नहीं दे सकता, लेकिन ऐसी भद्दी टिप्पणी करना शायद कैलाश सारंग जी ने तुमको नहीं सिखाया है, पता नहीं कहाँ से सीखे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।